हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्रेंदनगी ब्लॉग्स पे। और आज के इस ब्लॉग का मैं काफ़ी इंतज़ार कर रहा था। और मैं कल हम जा रहे हैं बनाग देवता जी के पास, उनका फंक्शन है ज्वालापुर में। और जिस जगह उनका फंक्शन है उस जगह का नाम है लोगी, और हम यहाँ पे कहते हैं लोगी मेला। और हर साल की भांति ये मेला बनाया जाता है, और विष्णु साजे के आसपास ही ये मेला बनाया जाता है। और मैं आपको बता दूँ, बनाग देवता जी का ये सबसे ऐतिहासिक ये फंक्शन रहता है, हम कहते हैं यहाँ पे मेला। और आज के दिन, मतलब कल के दिन प्रभु प्रकट हुए थे उस जगह पे, जिस जगह पे ये फंक्शन होगा। और ब्लॉग में हर एक चीज़ें हम क्लियर करेंगे आपको, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप ज़रूर बने रहिए। अगर आप देवी देवताओं से लगाव रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, आपकी भक्ति भावना है प्रभु के प्रति, तो आप इस ब्लॉग को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि देवभूमि से रिलेटेड चैनल पर हर एक चीज़ें शेयर होती है। और कल हम जा रहे हैं प्रभु जी के पास, और प्रभु जी का प्रकट स्थान है वहाँ पे, प्रभु प्रकट हुए थे। और इस चीज़ को देखने के लिए काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, वहाँ पे कहते ना चमत्कार ही कहते हैं, कि जब भी हम गए उस मेले में, और उस दिन बारिश ज़रूर होती है, और कल भी हम चेकआउट करेंगे कि बारिश होगी कि नहीं होगी। अगर होगी तो आपको हम ज़रूर बताएँगे, हर साल बारिश होती है। हाँ, कभी कभी मिस होता है, पर जब तक जितना हमने देखा है कि हर साल इस फंक्शन में बारिश होती है जब भी प्रभु अपने स्थान प्रकट स्थान पे पहुंचते हैं। बहुत ही रेयर होता है कि जितने भी यहाँ पे देवी देवता हैं उनके प्रकट स्थान पे कोई भी इस तरह का फंक्शन होता होगा। बनाग देवता जी का ये फंक्शन काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। और बने रहिए आप इस ब्लॉग में अंत तक, और आपको बहुत मज़ा आएगा। हेलो दोस्तों, आज की हिस्ट्री हम आपको बताते हैं आए। और यहाँ एक गाँव है जोड़, तो यहाँ पे प्रभु के कारीगर है, यहाँ पे प्रभु धाने खाते हैं। ये मतलब उस जमाने का परंपरा है, उस जमाने की रीत है जो अभी तक निभाई जाती है। तो यहाँ पे प्रभु ने धाने, मतलब सभी श्रद्धालुओं के लिए धाने वगैरह दे दिए। और उसके बाद अब यहाँ पे चाय है, तो अभी हम प्रभु से मिलते भी हैं, तो बने रहिए आप। और प्रभु चल पड़े हैं अपने प्रकट स्थान की ओर, और काफी खूबसूरत दिन है आज जहाँ प्रभु प्रकट हुए हैं, और आज वहाँ पे खूबसूरत मेला रहता है। ये देखिए, अभी हम रास्ते में हैं, अभी हम चंबा धार क्रॉस कर रहे हैं, अभी हम लोग ही कोंडलू को जा रहे हैं जहाँ प्रभु का प्रकट स्थान है। तो विष्णु मेला वहाँ पे बनाया जाता है, प्रभु का काफी खूबसूरत मेला रहता है। तो अभी आप बारिश भी आने वाली है। बारिश भी लगनी पड़ी है, देखते हैं इस बारिश में हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं इस मेले को। Thank you.
जगह आपको लेके आए हैं लोगी कोंडलू, और ये प्रभु बनाकदत्त जी का प्रकट स्थान है। और आज विश्व मेला भी हम कहते हैं, और आज हम आपको लेके आए हैं इस जगह में। और ये देखिए यहाँ पे काफी शॉप्स, काफी डेवलपमेंट हो चुकी है, पहले इतना नहीं होता था, छोटी छोटी शॉप्स भी है। और खुशी के मौके पे बारिश भी हो रही है, क्योंकि काफी समय से यहाँ पे सूखा पड़ा था, तो प्रभु आज खुश है, तो आज प्रभु ने बारिश भी दी है भक्तों को। भक्त यहाँ टेंशन में भी है। और अजय बता दे, प्रभु से मिलने के लिए लोग किस तरह लाइनों में बैठे हुए हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे आ चुके हैं। काफी श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और सबसे खूबसूरत चीज तो मुझे ये लगती है जब भी प्रभु का यहाँ पे वेलकम होता है, और जिस तरह से यहाँ पे हमारे प्रभु के देवड़ू काफी अच्छा यहाँ पे प्रभु के आगे आगे डांस करते हैं, पहाड़ी जो हमारा कल्चर है और उसके मुताबिक, और आप देख सकते हैं काफी अच्छा वेलकम होता है प्रभु का यहाँ, होना भी चाहिए क्योंकि प्रभु का प्रकट स्थान है। और आज प्रभु काफी खुश, और काफी समय से इतना सूखा पड़ा, और आज बारिश भी दे दी है प्रभु ने अपने प्रिय फंक्शन में। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, हम यहाँ पहाड़ों में कहते हैं, इसको भिख, और ये प्रभु की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, और मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है, हम सेपरेट वीडियो में बताएंगे आपको, पर इस पेड़ का बहुत ही बड़ा महत्व है। और Thank you.
साथ देवड़ू थे तो यहाँ पे बोरू पड़ रहे हैं। तो यहाँ का जो स्टाइल है वो मैं बता दूँ आपको, पर्ची डालते हैं जैसे जो फैमिली जितने भी गांव वाले हैं सभी के नाम से यहाँ पे पर्ची डाली जाती है सभी के, जैसे जो घर का मुख्य होगा, जैसे यहाँ पे सोनू भाई सोनू गढ़ियाना। तो यहाँ पे बोरू पड़े हैं, अब हम यहाँ पे जा रहे हैं। चलो, और सोनू भाई के घर हम पहुंच चुके हैं गढ़ियाना, और यहीं पे ही है गढ़ियाना नजदीक। और हम तीन लोग हैं, मेरे दो फ्रेंड आगे जा रहे हैं, अब जाएंगे हम मेहमानबाजी करेंगे, मिलते हैं आपसे बाद में। और आज हमारा सेकंड डे है, और हम जा रहे हैं प्रभु के पास। यहाँ बोरे पड़े थे ग्रोसरी का, ग्रोसरी होता ग्रोसरी पड़े थे, अभी हम पहुंच चुके हैं त्रिशा देवता जी के पास। और आपको बता दें प्रभु त्रिशा देवता जो है यहाँ पे स्थानीय देवता है, और अभी हम बस जाने ही वाले हैं ऊपर। ये नेचुरल पानी, ज़ायरू पानी, नेचुरल सोर्सेज यहाँ पे हिमाचल में पहाड़ों में मिलते हैं, रहते हैं। ज्वालापुर के जो स्थानीय देवता है वो त्रिशा देवता है। तो अभी हम प्रभु के दर्शन करने आपको लेके जा रहे हैं। और अब जा रहे हैं हम जडाक्षी देवता जी के पास। भाई जी, अब मेरे को कोई आइडिया नहीं लग रहा अब हम कहाँ जा रहे हैं। अब हम दूसरे ससुराल में जाएंगे, यहाँ है पल्ली साइड। कहाँ जैसे आपका? यहीं है पल्ली साइड है साथ में। चलो, जगह का नाम बताएं थोड़ा। ये गांव ठारू आता है यहाँ पर। अच्छा, और अच्छा प्लेस है वैसे देखने को। बाकी आप देख लेना भी कैसी है जगह। यहाँ पे कौन सा देता है? ये भी लोकली है अपने ही। ठीक है, अब मेरे को लगता हम पहुँच ही गए। बिल्कुल पहुंच गया। ये वैली जो है ठारू वैली है। यहाँ पे हमारे दीवान भाई जी का ससुराल है दूसरा। यहाँ पे एक अच्छी चीज हुई है, हम दीवान भाई जी के ससुराल है, यहाँ पे कोई है ही नहीं। यहाँ पे हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। देखिए, ये देखिए, सब अब अपने काम में बिजी है। मुझे लगता है कि आप थोड़े गलत समय पे आ गए हैं। कोई तो पूछो, मार्केट पूछो, कोई तो। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे लोग अपने काम में बिजी। ये देखिए, चारों तरफ आप देख सकते कोई नहीं है। चांद, वो चांद, चांद, चांद इस साइड देखो। चांद हो गया नाराज। नाराज क्यों हो गया आप? आएगा कोई, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। कोई तो पूछो। और इस मेले का दूसरा दिन, अभी हम बस पहुंचने वाले हैं मेला ग्राउंड में। तो अभी हम आपको दिखाएंगे, इसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत चीज़ें होती है, गुरुदेवता की कार्रवाई होगी, वो जो हम आपको अभी दिखाएंगे। थोड़ी ही देर में बने रहिए। और आज सेकंड डे है, प्रभु अपने स्थान पे आ चुके हैं। काफी खूबसूरत मेला यहाँ पे लोगी जांच। अरे लोगी
बीच आज का दूसरा दिन चांद ठाकुर बैठ गए हैं कार प्रभु की नैनी लोगी मेले में। प्रभु नाग देवता जी बहुत ही खुश, और आप देख सकते हैं इतनी मतलब बरसात हो नहीं रही इतने मंथ से, तो आज प्रभु का उत्सव है यहाँ पे, प्रभु का मेला लोगी मेला। तो हर साल इस मेले में बारिश होती है जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, बस अभी कार्रवाई होने वाली है गो देवता की, तो बारिश भी हो गई है। बारिश से जान बचाने के लिए लोग इस तरह सहारा ले रहे हैं। देखिए